हेलो गाइस, नमस्कार। 11th क्लास का बेसिक्स स्टार्ट करने के बाद में आज हम लोग स्टडी करते हैं 12th क्लास का फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट 12th क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल, देन यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। My channel name is Physics by Satish, Gurukul classes। यहाँ से आपका सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पे 12th क्लास में सबसे पहला पार्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हिंदी वाले बच्चों के लिए इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है जब वह स्थिर अवस्था में होता है, तो उस शाखा को हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट the charge when it is at rest said to be electrostatic। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं जब वह स्थिर अवस्था में होता है, तो उस शाखा को हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हमें 12th क्लास का बेसिक्स है वहां पे स्टार्ट करना है आवेश के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज एंड व्हाट आर इट्स क्वालिटीज एंड एवरीथिंग अबाउट द चार्ज। चार्ज के बारे में हम हर चीज को जानते हैं, तो सबसे पहले आती है कि आवेश होता क्या है। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का अनुभव करती है, उस वस्तु के उस गुण को हम आवेश कहते हैं। तो वी कैन राइट इट एज द क्वालिटी ऑफ एनी बॉडी। The quality of any body by which it can experience electric and magnetic effects। हिंदी वाले बच्चों को एक थोड़ी, सभी बच्चों को कंप्लेन थी कि जो वीडियो में जो फॉन्ट्स आ जाए वो थोड़ा कम है, तो यू हैव टू एग्जामिन इट इज करेक्ट और नॉट। अभी थोड़ा सही है। तो यहाँ पर आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों में से किसी भी क्षेत्र का अनुभव कर सकती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, सबसे पहले हमको समझना है कि एक्चुअली फील्ड होता क्या है। क्षेत्र, हम लोग जो पढ़ते हैं क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, एनीथिंग एल्स और भी जो है क्षेत्र। तो इंद्रा बच्चों को यहाँ पे ये करना है कि वस्तु का वह गुण जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव कराता है, उस गुण को बोलते हैं आवेश कराता है। अब यहां पर सबसे पहले मैं अलग से पॉइंट को जानना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड। क्षेत्र क्या होता है? इट इज द पर्टिकुलर बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स इन विच एनी टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। किसी भी जगह पर वो विशेष ऐसा स्थान जहां पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा का संचय हो सकता है, उस स्थान को हम क्षेत्र कहते हैं। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं द पर्टिकुलर बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स इन विच एनी टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कहीं कोई भी परिसीमा या ऐसा कोई पर्टिकुलर स्थान या क्षेत्र यहां पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा का संचय हो सकता है, उस जगह को हम क्षेत्र कहते हैं। कैन बी स्टोर यहां पर।
अब इसके बाद में चार्ज की डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये 12th का यहाँ से स्टार्टिंग है। इसमें जब 12th क्लास में बच्चे फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट यही आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द क्वालिटीज ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। दैट मीन्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत हम आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं कब, जब वह स्थिर अवस्था में होता है। इसमें आता है फिर यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आवेश का, तो द क्वालिटी ऑफ एनी बॉडी बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अर्थात किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्रों का अनुभव हो सकता है, आप किसी भी वस्तु के उस गुण को हम आवेश कहते हैं। अब इसके बाद में यहां से हम आवेश के बारे में आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं आवेश के गुण। तो यहां से आपको आवेश 12th क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको इन सब चीज के बारे में जान लेना चाहिए। पहले सबसे पहले तो आवेश के बारे में सबसे पहला पॉइंट आता है नंबर 1 पॉइंट, आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। इसका सबसे पहले अनाउंस करने वाले साइंटिस्ट थे ड्यूफी, उन्होंने बताया था सबसे पहले कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। सेकंड वन यहां पर आता है, दूसरा जो पॉइंट है, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव, अर्थात एक धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। इसको बनाने वाले साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, इनका पूरा नाम था जॉर्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये तो आपके दो बेसिक पॉइंट है। वैसे इससे पहले और भी सारे पॉइंट है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ चार्ज, के सबसे पहले चार्ज के बारे में किसने सोचा था, उसके बाद में क्या हुआ, तो इन सब से आपको कोई इतना इंटरेस्टेड है नहीं, बट लेकिन यहाँ पे आपको जानना है कि दो टाइप के चार्ज है, इसको बताने वाले थे ड्यूफी और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इस चीज का अनाउंसमेंट करने वाले थे फ्रैंकलिन। इसके बाद में यहां से आता है थर्ड पॉइंट, कैसा यूनिट ऑफ चार्ज, अर्थात ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज में क्या है कि आवेश का एसआई मात्रक, एसआई के बारे में तो सबको पता ही है ना, इंटरनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहां पर क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज में आ जाता है, इसको बोलते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, और इट इज सेड टू बी कूलम, सेड टू बी कूलम, इसको हम कूलम भी बोलते हैं। तो यहां से ऐसा ही मात्रक आवेश का है एम्पियर इंटू सेकेंड। इसके बाद में यहां से फोर्थ वन पॉइंट आता है, यहां पे चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि आवेश के बारे में यहां से आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। यहां पर आ जाता है आपका ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज आल्सो सेड टू बी फ्रैंकलिन, इसको हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं एक ESU को। और यहां से आपका इसको शॉर्ट में लिखते हैं FR, वन फ्रैंकलिन या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और यहां से आपका वोल्ट आया था तो वन कूलम इज इक्वल टू आता है 3×10⁻⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इसको CGS यूनिट भी हम बोलते हैं। अदर यूनिट ऑफ चार्ज में आता है आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रकों में आता है TMU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। हिंदी वाले बच्चे इसको समझ सकते हैं, ESU का मतलब हुआ कि स्थिर विद्युत इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और यहां से इसका तुम्हारा मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का विद्युत चुंबकीय इकाई, तो इट इज EMU और 1 EMU भी इक्वल टू 10 कूलम। यहां से तो ये सारे पॉइंट में अभी यहां पर हम एक चीज और कर सकते हैं कि इफ अगर हमें यहां पर लिखना है
1 ESU अपॉन 1 ए वो सॉरी यहां पर 1 EMU अपॉन 1 ESU इट विल बी इक्वल टू EMU EMU इज यहां से आपका आ जाएगा 1 अपॉन 10 कूलम अपॉन में ESU तो 1 ESU विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 into 10 टू द पावर 9 कूलम तो यहां से आता है तो 3 into 10 टू द पावर 9 अपॉन में 10 इट विल बिकम 3 into 10 टू द पावर 8 और as we know about it it is the speed of light in vacuum speed of light in vacuum ये 1 EMU अपॉन में 1 ESU जो वैल्यू आती है वो यहां पर आपको याद रखना है कि अगर आपने इतना बोल दिया कि इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट ये केवल निर्वात में प्रकाश की चाल के आंकिक मान के बराबर होती है आंकिक मान के बराबर है अब यहां पर पॉइंट ये है कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर क्यों नहीं है तो बस इतना करना है क्योंकि स्पीड अगर इसको आप मानते तो इसके पीछे इसकी जो मात्रक है वो होना चाहिए था और मात्रक है मीटर पर सेकंड और यहां पर केवल क्या है आंकिक मान दैट मीन इट इज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतने सारे पॉइंट्स कंप्लीट के बाद हुए यहां से आगे नेक्स्ट पे चलते हैं तो ये तो आपकी थी आवेश के मात्रक एक मात्रक और आवेश का आ जाता है वो होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है उसको बोलते हैं फैराडे और एक फैराडे बराबर होता है आपका 96,500 कूलम वन फैराडे इक्वल्स टू 51 पॉइंट है द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इट इज इक्वल टू 96,500 कूलम और इसको बोलते हैं वन फैराडे एक फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम अब यहां से आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 61 पॉइंट आवेश के बारे में अभी ये है सब कुछ आवेश के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज को इसकी बोलते हैं आवेश की प्रायोगिक इकाई वो आपकी होती है एम्पियर इंटू आवर जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एएच एम्पियर इंटू आवर अब यहां से 1 एएच इज इक्वल टू तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 एम्पियर और आवर का मतलब क्या है 60 इंटू 60 सेकेंड इट विल बिकम इक्वल टू 3600 एम्पियर सेकेंड और एम्पियर सेकेंड आपका आ जाता है कूलम यहां से तो वन प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3600 कूलम कूलम यहां से वन ओ सॉरी सी सिंबल इसका अब इतना सबके बाद यहां से फिर सेवेंथ वन पॉइंट आता है नेक्स्ट वन पॉइंट यहां पर पॉइंट है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास इसको आपको समझ रहे हैं थोड़े अच्छे से इसका अर्थ होता क्या है क्योंकि इसका अर्थ है कि आवेश हमेशा मास के साथ ही उत्पन्न होता है अर्थात इसको हम लिख सकते हैं यहां पर कि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है परंतु द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है यहां पे ये चीज आपको समझना अच्छे से तो इसका फिफ्थ पॉइंट था मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बता देता हूं पे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज आती है 96,500 कूलम इट इज आल्सो सेड टू बी 1 फैराडे और इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज आती है वो आती है एम्पियर इंटू आवर इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में एएच
इसको अगर मैं सेकंड में चेंज करता हूं तो यहां से ये आ जाता है 3600 एम्पियर सेकंड, और एम्पियर सेकंड आल्सो सेट टू बी कूलम, देयरफॉर इसकी वैल्यू आ जाती है यहां से 3600 कूलम के बराबर। अब यहां से आपका आता है ये सबसे इस पॉइंट पर थोड़ा आपको ध्यान करना है कि विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, व्हाइल विदाउट चार्ज मास इज पॉसिबल। तो इसको हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अर्थात अब यहां पर एक पॉइंट ये है कि जैसे हम इस चीज के बारे में बोल रहे हैं कि मास के बिना आवेश संभव नहीं है, अर्थात चार्ज पॉसिबल नहीं है। और यहां पर एक पॉइंट है कि इसके बारे में भी हमें जानना है कि इसके टाइप भी दो होते हैं। फर्स्ट वन टाइप यहां पर इसको बोलते हैं, एक होता है विराम द्रव्यमान और दूसरा यहां पर होता है अतिक द्रव्यमान। इसको बोलते हैं रेस्ट मास और ये होता है आपका डायनेमिक मास। तो यहां पर इस चीज को भी आपको कंफर्म करना है कि कौन से मास के बिना आवेश संभव नहीं है, चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपको टिक करना है इसके बिना, रेस्ट मास के बिना चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इसको अगर हम सिंबलाइज करते हैं एस एव नॉट और अगर इसको सिंबलाइज करते हैं एम डी, तो इन दोनों में आपस में संबंध आता है कि एम डी इज इक्वल टू एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इधर क्या है, ये है स्पीड ऑफ बॉडी और ये आपको बताइए स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम, अर्थात ये उस वस्तु का वेग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और ये क्या है प्रकाश का वेग है। यहां से आपको बताया यहां पर कि ये वैल्यू जो है v जो है वो कभी भी सी के बड़ा सी से बड़ी नहीं हो सकती। यहां पर v कैन नेवर बी मोर देन सी। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये आती है आपकी हमेशा एक से कम, और एक से कम है तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो एक से कम ही आएगी। तो यहां पर MD जो है डायनेमिक मास जो है अतिक जो मास है वो हमेशा ग्राम द्रव्यमान से ज्यादा होता है। इट इज MD इज ऑलवेज मोर देन M नॉट। यहां पर तो बिकॉज अब इसके पीछे जो भी है जो भी थ्योरी है कंसेप्ट है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आपको इतना ही अभी शॉर्ट में समझना है कि इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा क्यों होती है। बिकॉज सम एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मास अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब यहां से ये जो सेवेंथ पॉइंट है इसको ये था कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट मीन्स चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास, व्हाइल वाइस वर्सा मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज। तो यहां पर इसका पॉइंट था कि इसके भी टाइप दो है, क्योंकि ये अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट फोटोन, फोटोन के बारे में तो सभी ने थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ। फोटोन इसकी एनर्जी होती है एच इंटू म्यू के बराबर। तो यहां पर क्या है, फोटोन का इट्स रेस्ट मास its rest mass is zero, therefore photon cannot acquire any charge. इस पे कभी चार्ज नहीं हो सकता। तो यहां से ये था आपका सेवेंथ पॉइंट। एट वन पॉइंट पे जब आते हैं तो यहां से एट वन पॉइंट आता है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आवेश का क्वांटीकरण। अब यहां पर एक पॉइंट है कि हम जो फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल जो चार्ज मानते हैं, फंडामेंटल या बेसिक्स जो है एलिमेंट्री जो चार्ज है उसको मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्री स्टेट में, सबसे छोटा जो फ्री स्टेट में जो पॉसिबल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है। इसको हम फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज मानते हैं और इसकी वैल्यू आपको पता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। देयरफॉर अगर 1 कूलम की अगर हम बात करते हैं तो इट विल 1.6×10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स।
तो इट विल बिकम इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम के बराबर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब जब इतने एलिमेंट्री पार्टिकल्स एक साथ कंबाइंड होंगे अर्थात एक साथ इकट्ठे होंगे तो एक कूलम के बराबर आवेश बनेगा। और यहाँ पर बात आती है आवेश का क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्वांटिफिकेशन में आपको एक चीज देख दी थी, ये हमें बताता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर क्या है, ये तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कि एलिमेंट्री चार्ज है अर्थात सबसे मूल अवयवी चार्ज है। और यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो जीरो से स्टार्ट होकर के 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन है। तो ये क्या है, इसका क्वांटीकरण है। अब इस क्वांटीकरण को मैं ऐसे भी बता सकते हैं हम यहाँ पर कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है। दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी ओनली पॉसिबल इन द मल्टीपल इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। That means, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की भिन्नात्मक फॉर्म में, अर्थात जैसे 2/3 या एनीथिंग एल्स 3/5, तो चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो आवेश का जो सबसे बेसिक जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसकी भिन्नात्मक फॉर्म में अर्थात 1/3, 4/3 या दैट मीन्स पॉइंट में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि क्या ऐसा, हाँ लेकिन इलेक्ट्रॉन से अलग कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जिन पर इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज है और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं क्वार्क्स पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल्स का द्वारा पॉइंट क्या है कि इन पर प्लस माइनस 2/3 ही और प्लस माइनस 1/3 ई के बराबर चार्ज हो सकता है, लेकिन इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल में इसलिए इग्नोर कर देते हैं अर्थात ये एलिमेंट्री पार्टिकल इम्पॉसिबल है बिकॉज दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये स्वतंत्र अवस्था में संभव नहीं है इसलिए इन्हें हम अवयवी कण नहीं मानते हैं, संभव नहीं है। ये था आपका 8th पॉइंट आवेश के बारे में। यहां से सबसे पहले था चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट थी, उसके बाद में इसकी प्रैक्टिकल थी और 1 प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज pH इज इक्वल टू 3600 कूलम के 3600। इसके बाद में था चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास था, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। यहाँ से तो अगर किसी भी वस्तु पर चार्ज अगर एडजस्ट करना है या होना है तो वहां पर इस ब्राम द्रव्यमान का होना बहुत एसेंस है। After that, ये पहले आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया था, इसके बाद में 8th पॉइंट था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, इसको हम क्या बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण है। और क्वांटीकरण हमें केवल एक चीज के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो एलिमेंट्री चार्ज जो पार्टिकल मानते हैं इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है और 1 कूलम जो है आपका 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन के बराबर है और क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 ही था यहाँ पर। दैट मीन्स किसी वस्तु पर अगर आवेश है तो वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा अर्थात चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बट यहां पर कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको क्वार्क्स पार्टिकल है, इन पे फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज पॉसिबल है और यहां पर इनके टाइप भी है, एक होता है अप क्वार्क्स और एक है डाउन क्वार्क्स। बट यहां पर इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये दे कैन नॉट बी एलिमेंट्री पार्टिकल बिकॉज दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। 8th था आपका एक पॉइंट, इसके बाद में आता है 9th पॉइंट। और 9th पॉइंट में यहां पर एक चीज हम
इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नाइन्थ जो है उसको हमें पढ़ना है। इसको हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जिन बच्चों को एयरफोर्स या किसी कंपटीशन में अपीयर करना है तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन्हीं में से आपके पॉइंट आ सकते हैं, तो वो भी इस वीडियो को अच्छे से ध्यान दें। तो यहाँ पर आता है आपका नाइन पॉइंट, और नाइन पॉइंट आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है आवेश का संरक्षण, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व से भी बोल सकते हैं फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम। और इसके अगर पॉइंट है कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पर कि द चार्ज विल बी कंजर्व फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है विलवती निकाय। और यहां पर एक पॉइंट ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा से एक एक्स्ट्रा एक पॉइंट के बारे में हम लोग करते हैं बात कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम। हर जगह हम लोग पढ़ते हैं कि यानी सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं निकाय। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है सिस्टम के बारे में कि इट इज द पर्टिकुलर बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स अबाउट विच वी थिंक एट एनी इंस्टेंट। किसी भी क्षण पर ब्रह्मांड की वो पर्टिकुलर परिसीमा या बाउंड्री जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं इट इज द सिस्टम, द बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स अबाउट विच वी कंसीडर एट एनी इंस्टेंट। किसी भी क्षण हम जिस पर्टिकुलर विशेष कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है एनीथिंग एल्स है कोई भी चीज है जिस चीज के बारे में हम किसी भी क्षण बात करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं तो उस जगह को या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं क्या सिस्टम। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मार्कर इट इज अवर सिस्टम। ओके, अब यहां से आपका क्या है कि ये हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है यहां पर कि किसी भी पर्टिकुलर कोई भी सिस्टम हो उस पर आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही हस्त किया जा सकता है अर्थात समाप्त किया जा सकता है। इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे तो समझ गए होंगे चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यहां पर बस इसके ही आगे अगले स्टेप में उस चीज को समझ सकते हैं कि चार्ज इज ओनली ट्रांसफरेबल, ये केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है अर्थात एक्सचेंज ऑफ चार्ज। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अर्थात आवेश का संरक्षण। इसके बाद में टेंथ पॉइंट यहां से आ जाता है आपका आगे वाला पॉइंट है आवेश के बारे में। आवेश के बारे में आपका अगला पॉइंट आता है यहां से कंजर्वेशन क्वांटाइजेशन एवरीथिंग ठीक है। अब यहां से एक एग्जांपल जैसे मैं इसी में आपको एक चीज बता देता हूं कि आपने हिंदी वाले बच्चों ने पढ़ा हिंदी वाले बच्चों में जैसे कि एक होता है युग्म उत्पादन और दूसरा होता है युग्म विनाश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन और दूसरा बोलते हैं यहां पर पेयर इनहेलेशन। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसा कि नाम है वैसा ही अपोजिट भी है। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी एनर्जेटिक फोटोन जो है कोई भी गामा रेज या फोटोन जो भी है किसी भी पर्टिकुलर
नाभिक से यहाँ पर स्ट्राइक होती है तो ये उसके द्वारा एब्सॉर्ब हो जाती है और वहां से दो पार्टिकल्स, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा कण एक आता है बाहर निकलकर पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पर इसी वाले जो पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं उसी का एक एग्जांपल है। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि फोटॉन्स का कभी आवेश नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका विराम द्रव्यमान जीरो शून्य है। अब क्योंकि तो चार्ज जो है इस पर जीरो होगा और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव ई के बराबर है, पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज है वो माइनस ई के बराबर है, तो टोटल चार्ज वो भी जीरो, यहाँ पर टोटल चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि युग्म विनाश की, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो वहां से गामा रेस अर्थात फोटॉन्स पैदा करते हैं। यहाँ पर इनिशियली चार्ज था जीरो, फाइनली चार्ज क्या है जीरो। और यहाँ पर एक मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी बता दूं यहाँ पे कि इसमें आवेश का तो संरक्षण है, लेकिन संरक्षण इसमें आवेश का है लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कौन सा, संरक्षण इसमें आवेश का तो है लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि इन दोनों जो घटनाएं होती है ना इनमें द्रव्यमान और ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है, संरक्षण नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि जब युग्म उत्पादन होता है तो एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मास, और जब यहाँ पर पेयर इनिंग तो मास विल चेंज इनटू एनर्जी। तो यहां से आपका ये पॉइंट आया था, इसके बाद में यहाँ पे हाँ बट तो इस वाले पॉइंट में मास विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी, सॉरी एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मास, और इस वाले पॉइंट में मास विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। यहां से तुम्हारा ये पॉइंट थे आपके पॉइंट्स, आगे वाले वीडियो में से आगे चार्ज के बारे में बताएंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज गाइस यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल देयरफॉर, जिससे कि मैं अच्छे से वीडियो आप तक और पहुंचा सकूं। थैंक यू।